हम आपको तस्वीरों में साफ साफ दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुअर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। बदबू इतना कर रहा है कि उसे आप ऑन कैमरा भी महसूस कर सकते हैं। अगर आप जिस वक्त इस वीडियो को देखेंगे, शायद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के हालात कैसे हों। मधुबनी पूरा कचरा का ढेर बन रहा है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। इसको कैसे डेवलप करेगा, कैसे सफाई करेगा, वो तो प्रशासन ही बताएंगे। एट प्रेजेंट टाइम में अभी यहाँ पे देखिए, सुअर मरा हुआ है और उस कोने पे देखिए पब्लिक पूजा करती है मंदिर में जाके। प्रशासन को कम से कम ये समझना चाहिए, धार्मिक स्थल वाला चीज है, कम से कम उसको साफ सफाई। हालात यही है कि जितना मधुबनी में गंदगी है ना, सब यहाँ आके म्यूनसिपैलिटी वाले, नगर निगम वाले यहाँ आके गंदगी फैलाते हैं, सुअर मरता है यहीं फेंक देता है। नगर निगम वाले फेंक, हाँ नगर निगम वाले फेंकता है यहाँ पे, आपने कभी देखा है नगर? हाँ हाँ, नगर निगम वाले फेंकता है। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी में और ये मधुबनी शहर का एक मुख्य सड़क है, कह सकते हैं माल गोदाम रोड है ये। बगल में हम आपको दिखाएं तस्वीरों में, अगर तो मेरे सामने में रेलवे स्टेशन है और ये जो सड़क है यहाँ से लगभग जो जितनी भी बसें हैं वो गुजरती है। पास में हमारे पास बस स्टैंड भी है और मधुबनी के बस स्टैंड की खूबसूरती हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, हालांकि हम कोशिश करेंगे कि उसकी भी फुटेज आपको इसमें दिखाएं। और पीछे जो है ये गंगा सागर है जो कि अब गंदा सागर बन गया है, और नीचे मेरे पास देख सकते हैं कि एक सुअर है जो मरा हुआ है। और मरा हुआ क्या है, इसको मार करके या यहाँ पे फेंक दिया गया है, या जहाँ भी मरा हो उसे ला करके यहाँ फेंक दिया गया है। गिनती एक की नहीं है बल्कि दर्जनों सुअर ऐसे पड़े हुए हैं। हम आपको तस्वीरों में साफ साफ दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुअर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। बदबू इतना कर रहा है कि उसे आप ऑन कैमरा भी महसूस कर सकते हैं। अगर आप जिस वक्त इस वीडियो को देखेंगे, शायद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के हालात कैसे होंगे। ये जो गंगा सागर है, यहाँ हम आपको बता सकते हैं कि हिंदू फेस्टिवल जो होते हैं, खास करके जो छठ पर्व होता है, वो यहाँ पर बेहद मशहूर है और इसी गंगा सागर में मनाया जाता है। आप तसव्वुर कीजिए कि जो औरतें यहाँ पर डुबकी लगाया करती है, उसी औरतों के साथ ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि यहाँ पर सुअर को मार करके इसी में फेंक दिया जाता है और ज़िला की प्रशासन सोई हुई रहती है। सवाल अगर पूछा जाए तो इस ज़िला के प्रशासन से पूछी जा सकती है कि आप कौन लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं मगर कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम आपको बता दें, हालात सिर्फ यहाँ का नहीं है बल्कि यहीं से महज हम आपको हाथों से दिखा सकते हैं कि यहीं पर एक चाइल्ड पार्क है, शिशु पार्क है, वहाँ भी अब सुअरों का ही कब्जा बना हुआ है। वहाँ पर भी सुअर के बच्चे ही खेलते हैं जबकि वहाँ पर इंसान के बच्चों को खेलना था। तस्वीरें आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कचरा लगा हुआ है। ये सड़क इतनी बिजी है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। यहीं पर एक बस स्टैंड है, तमाम जो बसेज हैं वो यहीं से गुजरती है और यहीं से अपना रूट चेंज करने के लिए वो यहाँ से दाएं और बाएं की तरफ जाती है। सोचने वाली बात यह है कि मधुबनी नगर निगम हो चुका है, इससे पहले मधुबनी में जो नगर परिषद था उसने क्या कुछ काम किया है वो आप देख सकते हैं। तस्वीरें आपको साफ साफ दिखा सकती है कि किस तरह से यहाँ पर हालात नाजुक बने हुए हैं। न सिर्फ मधुबनी के इस जगह का ये हालात है बल्कि मधुबनी के हर एक कोने में, हर एक हिस्से में, जहाँ पर भी सरकारी भवन हो या सरकारी किसी भी तरीका की व्यवस्था हो, वो बद से बदतरीन हो चुकी है। चाहे वो मधुबनी का स्टेडियम हो, मधुबनी का रेलवे स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन का परिसर के पास जो बाथरूम का व्यवस्था है, जो टॉयलेट का व्यवस्था है, वो भी हमने आपको दिखा दिया है। मधुबनी के बस स्टैंड के हालात क्या कुछ है वो भी हमने आपको दिखाया है, और ये मधुबनी की सड़कें और उसके किनारे जो हालात है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये गंगा सागर जो कि अब गंदा सागर है, आपको दिखाऊं कि सामने में आपको एक मंदिर दिखाई दे रही होगी। आप यकीन कर सकते हैं, शायद आपको यकीन ना हो कि ये वही मंदिर है जहां पर रोज़ सैकड़ों की संख्या में औरतें और मर्द आते हैं और यहां पर विवाह संपन्न करने का भी काम किया जाता है। विवाह का जो रीति रिवाज है वो भी यहाँ पर होता है और ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं। सुअरों को इस तरह से फेंकने की वजह से जो बदबू यहाँ पर फैला हुआ है वो कहीं ना कहीं आने वाले बीमारियों की जड़ बनती हुई दिखाई पड़ रही है। लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, लोगों को इतनी दिक्कतें हो रही हैं, इसके बावजूद क्योंकि यहाँ से उन्हें जाना है, मजबूरी है, तो लोगों को जाना पड़ेगा। हमने जब ऑफ कैमरा कुछ लोगों से बातचीत की तो उनका यही कहना था कि लोग करें तो क्या करें, लोगों को आना तो पड़ेगा ही, को यहां से जाना है। 5 साल हो चुके हैं मधुबनी के बस स्टैंड को यहां पर बने हुए, लेकिन 5 सालों में यहां की प्रशासन, यहां की सरकार और यहां के सत्ता पे बैठे हुए लोग चुपचाप बस यहां के हालात को देख रहे हैं जो कि बद से बदतरीन हुआ हुआ है। हम आपको बता दें कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहां पर 5 सालों से बस स्टैंड होने के बाद कोई खबर नहीं आई है। पिछले कुछ साल पहले खबर आई थी कि लगभग 80 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जिसके तहत मधुबनी के बस स्टैंड को कहीं और बनाना था,
पता नहीं वो 80 करोड़ रुपया कहाँ गए और उन साहब के वादे कहाँ गए जो साहब ये वादा कर रहे थे कि यहाँ से मधुबनी बस स्टैंड को कहीं और तब्दील कर दिया जाएगा। अब हम यहाँ के जो कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पर क्या कुछ विचार है, वो क्या कुछ कह रहे हैं मधुबनी से, मधुबनी के प्रशासन से और मधुबनी के सत्ता पे बैठे हुए लोगों से, चाहे वो यहाँ के विधायक हो, चाहे वो यहाँ के MP हो, चाहे नगर परिषद में जो अलग अलग पद में जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, उनका क्या कुछ रोल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह का व्यवस्था है, उस पर ये लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है विद्यानंद राय, बिहार ऑटो चालक संघ का अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, आप अध्यक्ष हैं? हाँ हाँ। तो यहाँ जो ऑटो चलती है, यहाँ के जितने भी ड्राइवर्स हैं, उन पे आपका एक रोल है उनके बीचों में। हाँ हाँ। तो यहाँ के हालात पे क्या कहेंगे आप? यहाँ पे हालात यही है कि जितना मधुबनी में गंदगी है ना, सब यहाँ आके म्यूनसिपैलिटी वाले, नगर निगम वाले यहाँ आके गंदगी फैलाते हैं, सुगर मरता है, यहीं फेंक देता है। अच्छा, ये नगर निगम वाले फेंक? हाँ हाँ, नगर निगम वाले फेंकता है यहाँ पे। आपने कभी देखा है नगर? हाँ हाँ, नगर निगम वाले फेंकता है। अच्छा, जितना लाता है कचरा सब सारा यहाँ लाके, यहाँ लाके पूरा मधुबनी का कचरा फेंक देता है। SP DM सब, DSP सब इसी रोड से गुजरता है। कितने बार कंप्लेन किया, शीशा चढ़ा के गुजर जाता है। कितने रोज कंप्लेन किया गया है, प्रशासन को भी क्या कहा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे इतना बदबू देता है कि हम लोग ऑटो वाला है, जितना गरीब आदमी किसी तरह गुजर व्यतीत करता है। मरा हुआ यहाँ फेंका? हाँ हाँ, सड़ गल गया है। कौन फेंका है इसको? कौन पड़ता है? वो मिस्टर सब या डोंगबा सब जो होता है ना, नगर निगम का जो सब कार्यकर्ता सब होता है, वही जो फेंकता है मिस्टर सब। आप लोग कंप्लेन किए हैं? कंप्लेन कितने बार किए हैं वहाँ पे? सब वैसे ही है, सब तो ऐसे ही है। थाना वाले को अगर कहो तो उल्टे डांट फटकार के भगा देता है। DM को, SP को, सबको पूरा, हम लोग कितने बार हलताड़ भी किए हैं। अच्छा अच्छा, कोई सुनवाई नहीं होता है। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं कहाँ? यहीं से? हाँ, यहीं से चलाते हैं। कहाँ आपका ऑटो लगा? यहीं पे लगा हुआ है। कैसे रहते, कैसे यहाँ पे बगैर मास्क? हम लोग साइड में उधर लगा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, स्थिति बहुत बदतर है यहाँ का। इतना बदबू करता है जो आने जाने वालों को इतना परेशानी होता है, जो सब नाक मुंह बंद करके जाता है। सही बात है, वो तो मैं अभी किस तरह कंट्रोल किया हुआ हूँ। खैर, तो ये जो हाल बना हुआ है, इसको लेकर प्रशासन से आप लोगों को क्या कहना है? हम लोग को कोई उम्मीद ही नहीं है, इतना बार कंप्लेन करते हैं, हम लोग को बस का नहीं लग रहा है। नाउम्मीद लग रहा है, दिल्ली पटना गए जाने वाले थे, वो भी आदमी सबको सपोर्ट करेगा तभी जाएगा पटना। पटना किस लिए जाना, कंप्लेन करने के लिए? यहाँ पे कोई करवे नहीं करता, तो वहाँ कंप्लेन सोचे थे, मीटिंग होगा वहाँ पे जाके। अलग का यूनियन है ना? अच्छा, तो वहाँ पटना में बुलाया, वहाँ पे सुनवाई होगा कोई? यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं ले रहा। ऑटो चालक का जो यूनियन है उसके तहत जाना चाहिए, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा गंदगी है। क्या नाम है? एमडी मुस्लिम। मुस्लिम साहब, कहाँ तक गंदगी है वहाँ? पूरा जी वहाँ तक है आपको गंदगी? बहुत बहुत फेंकता है। हम लोग यहाँ बस लगाते हैं, आते हैं, लेकिन किसी तरह क्या करें, बर्दाश्त करके रहते हैं। इसके लिए प्रशासन को तो सोचना चाहिए, प्रशासन कुछ सोचे नहीं रहा इसके बारे में। यहाँ पर साफ सफाई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, मतलब ये है कि तमाम शहर की गंदगी लगी है, पूरा यही गंदगी रहता है। इधर से आपको जाने वाले जो पूरा चालू रोड है ये, इधर होकर सब जाता है। DM साहब सब भी इधर होके जाते हैं, SP साहब भी जाते हैं, लोग देखते हैं, ये लोग भी अपना इधर करके चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। शीशा चढ़ा लिया अपना, शीशा चढ़ा ले चल जाता है, कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। इसके लिए बहुत जल्दी एक्शन होना चाहिए, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि हो पाता है कि नहीं। और कुछ लोग हैं यहाँ पे, क्या नाम है सर? राहुल कुमार चौधरी। राहुल जी, क्या करते हैं? जॉब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जॉब कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। इंजीनियर हैं आप? इंजीनियर है। तो इंजीनियर हैं आप जानते होइएगा बेहतर, ये जो हालात अभी बना हुआ है सड़क के किनारे, कभी आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है कि सड़क के किनारे इन्वायरमेंट पे पढ़े हुए हैं, जिसको मान लीजिए इन्वायरमेंट पर हैं, पढ़े हुए हैं, उसमें जो भी पॉल्यूशन के बारे में बताया जाता है, कैसे होता है, कैसे उससे बचा जाता है, सारा चीज़ का जो भी सिस्टमेटिक होता है। बट अपने मिथिला में जो मधुबनी है, यहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं पॉल्यूशन पे या गंदगी पे या जो भी, मतलब यहाँ के सिचुएशन है मधुबनी के, ठीक है, उस पर कोई भी प्रशासन जो है, जो भी नगर परिषद के नेता हैं, जो भी सत्ता पे बैठे हुए हैं वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मधुबनी पूरा कचरा का ढेर बन रहा है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। इसको कैसे डेवलप करेगा, कैसे सफाई करेगा, वो तो प्रशासन ही बताएंगे, जो सत्ता में बैठे हुए हैं वही बताएंगे।
हम पब्लिक मान लीजिए इसका आवाज़ उठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे जाके, करना तो उन्हीं का काम है, या करवाना या करे या जो भी करे जैसे भी करे वो तो वही करेंगे, बट यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा हो रहा है। ये सारा देख रहे हैं कचरा से भरा पड़ा हुआ है, ये गंगा सागर पोखर है, मंदिर है, सारा पूरा गंदगी से है, भरा पड़ा है, क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है, सफाई पे काम हो नहीं रहा है, यही सब यहाँ पे दिक्कत परेशानी है। लोगों को बड़ी तकलीफ है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे अभी एक प्रशासन की भी गाड़ी गई है, वो मुंह देखते हुए चले गए और उनका कोई इस तरफ एक दफ़ा ऐसा भी नहीं हुआ कि वो एक मिनट के लिए रुक जाएं कि देख लें कि भैया क्या वजह है। लोगों का जो कहना है, एक साहब से बातचीत हुई, इंजीनियरिंग के छात्र रह चुके हैं, उन्होंने पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, पॉल्यूशन की वजह साफ साफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से हालात बने हुए हैं। भारत के जो लोग भी सत्ता पे बैठे हुए लोग होते हैं, अक्सर देखा यही जाता है कि सत्ता पे बैठने के बाद वो लोग हालात को इसी तरह बना देते हैं। पॉल्यूशन की बात करिए तो ये एयर पॉल्यूशन कह लीजिए या जिस तरह का भी पॉल्यूशन आपको यहाँ पर समझ में आए आप आगे समझ सकते हैं। एयर पॉल्यूशन का तो ये हाल बना हुआ है कि अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हालात यहाँ पे बने हुए हैं। सुअर को फेंक दिया गया है और पूरी तरीके से ऐसी गंदगी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता। एक दफ़ा यहाँ पर ज़रूर आइए और आ करके यहाँ से गंगा सागर को इंजॉय करके देखिए, फिर आपको अंदाज़ा हो जाए कि मधुबनी जिसे मिथिला पेंटिंग की वजह से बेहद खूबसूरत जगह माना जाता है, उस जगह की खूबसूरती का अंदाज़ा अगर आपको लगाना हो तो कभी मिथिला पेंटिंग से दूर हो करके मधुबनी के हालात को देखिए और सड़कों पर आकर के देखिए कि मधुबनी में नगर परिषद या नगर निगम या जो ज़िला प्रशासन के लोग हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं और किस तरह का तमाशा बनाकर रखे हुए हैं कि तमाम जगह का कचरा उठाकर सड़क के किनारे फेंक देते हैं और उस गंगा सागर में फेंकते हैं जहाँ के पानी में लोग डुबकी लगा करके फेस्टिवल मनाते हैं, छठ मनाती है औरतें, और इसी पानी में फेंका हुआ है। हम आपको अच्छा और करते लोग अच्छा आज भी पूजा एट प्रेजेंट टाइम में अभी यहाँ पे देखिए सुअर मरा हुआ है और उस कोने पे देखिए पब्लिक पूजा करती है मंदिर में जाके। प्रशासन को कम से कम ये समझना चाहिए, धार्मिक स्थल वाला चीज है, कम से कम उसको साफ सफाई करवाए। कुछ ले कह सकते हैं कि जो धार्मिक भावना है उसको भी कहीं ना कहीं प्रशासन ठेस पहुंचाती है। क्या कह रहे हैं? यहाँ तो रात रात के बगल का लड़का लोग से आता है, फेंकता है, उससे पूछते हैं तो बोलता है नगर निगम का, क्योंकि नगर निगम का रिक्शा आता है, हाँ वो गाड़ी से बजाबते लेके आता है, एक गाड़ी पे दो दो रहता है, एक इस साइड एक इस साइड, और यहाँ आके पलटी मार दिया, कभी इस साइड में कभी उस साइड, मतलब इस रास्ते पे आप यहाँ से वहाँ जाओगे तो आपको इतना मिल जाएगा। तो यहाँ तो खैर, और बगल में बस स्टैंड भी है, मतलब पब्लिक का आवागमन रहता है यहाँ पूरा, यहाँ से जब तक नाक पे कुछ रखेगा नहीं तब तक जाया नहीं बनता। चलिए हम भी कोशिश करेंगे कि वीडियो का इतना ही पे रोक दिया जाए क्योंकि मेरे भी हालात वोमिटिंग की तरह हो रहे हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया और जिला के प्रशासन से बस यही एक गुजारिश है कि अब आप पर लोगों का भरोसा उठ गया है, अभी भी वक्त है, आइए थोड़ा बहुत तो काम कीजिए। देश के पॉपुलेशन पे आप कंट्रोल करें ना करें, पॉल्यूशन पे कर सकते हैं, आइए और पॉल्यूशन पे कंट्रोल कीजिए और मधुबनी के जो लोग हैं उनकी इज्जत को थोड़ा बचाइए, क्योंकि ये स्टैंड है, बस स्टैंड पर बाहर से भी लोग आते हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद वो जब अपने शहर जाते होंगे तो कहीं ना कहीं एक दफ़ा ये ज़रूर कहते होंगे कि मौका मिला तो फिर कभी मधुबनी नहीं जाएंगे। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।